मिलन देव गणगौर। जी हाँ, राजस्थान में धूमधाम से गणगौर मनाया जा रहा है। महिलाएं सोलह श्रृंगार में सज धज कर गणगौर के गीत गा रही हैं। हर गली हर मोहल्ले में आपको ये नजारा देखने को मिल जाएगा। देखिए गणगौर से एक दिन पहले लड़कियों और महिलाओं का सिंजारा होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार में सजी धजी नजर आती हैं। सिंजारे पर नव विवाहताओं के मायके से कपड़े और मिठाई आती है, तो सगाई हो चुकी युवतियों के ससुराल से कपड़े और मिठाई गुने घेवर भेजने का प्रचलन है। राजस्थान में हर त्योहार को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है और इसी विरासत के रंग में पूरी दुनिया में अपनी छटा बिखेरता है। यही वजह है कि गणगौर से ठीक पहले गुलाबी नगरी में गणगौर सिंजारे की रौनक देखने को मिल रही है। नव विवाहित जोड़ों के लिए ससुराल से सुहाग थाल के साथ घेवर और मिठाइयां आती हैं, तो पीहर से भी गिफ्ट्स की सौगात मिलती है। गणगौर के दिन सजी धजी कुंवारियां सोलह श्रृंगार किए नव विवाहिताएं और महिलाएं गौरा ईसर की पूजा करती हैं। राजस्थान के पारंपरिक धुनों पर नाचती हुई महिलाओं से इस त्योहार की रौनक बढ़ जाती है। एक पखवाड़े तक नियत समय पर ईसर गौर की पूजा करके महिलाएं अपने अमर सुहाग और कुआरी कन्याएं मनचाहा पति पाने की कामना करती हैं। कुआरी कन्याएं गौरा को अपनी बहन और ईसर को अपना जीजा मानकर पूजा करती हैं और ये मनोकामना मांगती हैं कि ईसर जैसा ही पति उन्हें मिले।